हेलो, आज हम आपको इस वीडियो में साइलेंट वर्ड की जानकारी देंगे और ये बताएंगे कि कौन से वर्ड कहाँ साइलेंट रहते हैं और इसके क्या नियम है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले आता है ग। जब भी जी यू साथ में हो तो जी को ग पढ़ते हैं, ये हमेशा आप याद रखिएगा। अब है एच। जब भी एच स्टार्टिंग में हो तो एच हमेशा साइलेंट रहता है, जैसे कि हेयर, एयर, इसको हम हेयर पढ़ेंगे पर ये एयर है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब है हमारा तीसरा आई ई, ई आई के बाद अगर जी एच आए या ए यू या ओ यू के बाद जी एच आए तो जी एच को नहीं पढ़ा जाता, ज्यादातर आपने देखा होगा। अब है जी एन। जी एन जब भी जी एन साथ में आए तो जी एन को नहीं पढ़ा जाएगा, वो भी स्टार्टिंग में आए तो, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब है जी एम। जी एम में जी को नहीं पढ़ा जाता, जैसे कि इसमें हम फ्लेम पढ़ रहे हैं और जी को नहीं पढ़ रहे, यहाँ ये जी साइलेंट है। अब हमारा आएगा एस सी एल ई, इसमें सी को नहीं पढ़ा जाता, जैसे मसल, इसमें हम सी को नहीं पढ़ रहे हैं। तो ज्यादातर हम कोई बहुत सारी गलतियां करते हैं तो आप इसे याद रखिएगा। अब डब्ल्यू एच ओ या डब्ल्यू एच ओ एल ई या फिर डब्ल्यू एच ओ एम या डब्ल्यू एच ओ एस ई, इसको हु, होल, हुम या हुज पढ़ा जाता है। अब पी एच अथवा पी एस में पी को नहीं पढ़ा जाता, जैसे कि हम शाम, यहाँ पर पी को नहीं पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी गलतियां आप करते हैं तो इसे हमेशा ध्यान में रखिए। अब एम और एन। एम और एन अगर शुरुआत में साथ में आए तो एन को नहीं पढ़ा जाता है, जैसे कि हमने देखा कॉलम, कॉलम में एन को नहीं पढ़ा जा रहा है। अब आर एच। आर एच जब भी साथ में आते हैं तो एच को नहीं पढ़ा जाता, जैसे कि राइम, इसमें आपने देखा हम एच को नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब डब्ल्यू एच के बाद अगर ए ई आई वाई आए तो एच को नहीं पढ़ा जा सकती, वॉट, बीट, बीम, वाई, इसमें हम नहीं पढ़ रहे हैं। शब्द के अंत में एल एम या एल के या एल एफ या एल डी हो तो एल को नहीं पढ़ा जाता, जैसे कि हमने देखा। अब के एन जब भी साथ में आएंगे स्टार्टिंग में तो के को नहीं पढ़ा जाता, जैसे नी, नो, इसमें हम के को साइलेंट रख रहे हैं। अब जब भी डब्ल्यू आर साथ में हो तो डब्ल्यू को नहीं पढ़ा जाता, जैसे कि रैप, रैप मीन्स होता है लपेटना, रॉन्ग, रॉन्ग मीन्स गलत, इसमें हम डब्ल्यू को नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। शब्द के अंत में एम भी हो तो वी को नहीं पढ़ा जाता, जैसे कि बॉम्ब, कॉम। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाल कलर का बटन होगा उसे क्लिक कर दीजिए। अब जी जी ई ओ एम, सॉरी जी ई ओ एन या जी आई ओ एन और जी ई ओ यू एस या जी आई ओ यू एस आए तो इसे जन या जस पढ़ते हैं। शब्द के अंत में जी यू ई